बिहार क्लब कतरा की टीम ने ताजीदार पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। उनके कप्तान से गुजारिश है कि अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज को पूरी तरीके से तैयार करके भेजे और ताकि मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। और उनके दो बैट्समैन ओपनर सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं, तो मैं फील्डिंग के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि अपने प्लेयरों को जल्द से जल्द फील्ड पर रन कर दें ताकि मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके, क्योंकि धूप लगातार अपना रंग दिखाते हुए नजर आ रही इस मैदान पर। अभी तो गनीमत है, अगर इसी तरीके से टाइम पास करती रही टीम तो आगे के लिए काफी दिक्कत बढ़ जाएगी यहाँ पर मैच खेलना, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर रहता है 9 या 10 दिन बाद खड़े रहने लायक नहीं है मैदान पर। तो इस बात को अपने ध्यान में रखें कि अगर जितना जल्दी हो सके, मौसम अभी ठंड है सुबह है, तो जितना हो सके जल्द से जल्द मैच शुरू करें ताकि मैच को पूरी तरीके से जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। और अभी काफी काम कराने बाकी हैं। केटीआर के दोनों बल्लेबाज इस तरह से पूरी तरीके से तैयार हैं मैच को खेलने के लिए और जल्द से जल्द फील्ड सजा दें। फर्स्ट अंपायर जनाब प्लेयरों को कुछ सलाह दें कि वो जल्द से जल्द फील्ड सजाएं ताकि मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। हालांकि कल से आए हमारे साथी कमेंटेटर सुजीत भाई ने जितनी खूबसूरत कमेंट्री की, काबिले तारीफ, मेरे पास लफ्ज नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जैसे युवा कमेंटेटर का हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो आसिफ और स्ट्राइक पर अमीन। बाला संगे पवन पाटिल, बहादुर होनहार के पवन पांडे होंगे बॉलर। नाम के साथ साथ कारनामा भी उनका उतना ही जोरदार। पवन की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी ही अच्छी साथ, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, वहां पर बहुत ही चुस्त फील्डिंग, तेज तलाश हो, थोड़ा से लेट होते तो विकेट गिरने का पूरा चांस था, लेकिन जैसे तैसे करते हुए बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इस तरीके से अपना खाता खोलते हुए केटीआर क्लब कतरा की टीम अपना पहला रन खाता खोलते हुए इस वक्त अमीन। बहुत ही अच्छा बल्लेबाज केटीआर का। पवन की ये गेंद लेफ्ट हैंडर के बाद गेंद को हल्का से कट कर दिया, वहां पर एक चांस था रन आउट होने का, लेकिन गेंद स्टंप पर लगी नहीं। इस तरीके से पूरा मौका था क्रीज पे पहुंचने का और पहुंच भी गए, तो बस वो स्कोर 2 रन केटीआर का। धीरे धीरे अपनी शुरुआत मजबूत करते हुए केटीआर की टीम अब तक की उस सारे टूर्नामेंट में अगर उनकी बात करें तो काफी लोहा जमा कर रखा है केटीआर क्लब कतरा की टीम ने। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भरी सदी टीम इस वक्त केटीआर की। तो अंपायर फर्स्ट अंपायर के सारा बाई का आता हुआ इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन केटीआर का, और देखना है कितना रन जोड़ पाते हैं अपने इस पहले इनिंग में। हालांकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पवन की ये गेंद बहुत खूबसूरती से गेंद को खेल दिया है, लेकिन वहां पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन मैच हो रहा है यहाँ पर दोनों ही पक्ष में। गेंदबाजी से बल्लेबाजी तक सबने सुरपुर के साथ इस वक्त मैच खेलते हुए नजर आ रहे दोनों की टीम। और यहां पर थोड़ा से बाल को निरीक्षण करते हुए बल्लेबाज अमित कि किस गेंद से वो खेले। यहां पर थोड़ा से
देखने और परखने के बाद अब बॉलिंग मार पर एक बार फिर पवन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक इस स्पेल में। पहले के ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी की है काबिले तारीफ, पूरी तरीके से बांध कर रखा है बल्लेबाज अमीन और आसिफ को, और ये गेंद उनको शुरू करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद उनके पैर पर जाकर टकराई, लेकिन सॉरी बैंड पर अंदरूनी से लेकर सीधा फिल्म की जाने एक रन का मौका था उसको पूरा नहीं किया। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन इस ओवर में। अच्छी शुरुआत कही जाएगी दोनों ही टीमों की तरफ से। केटीआर के लिए अच्छी बात यह है कि कोई विकेट नहीं खोया है, और पवन अच्छी गेंदबाजी करते हुए सब अपने जस्पेल में पूरे जोश और खरोश के साथ गेंदबाजी के साथ पवन की ये गेंद को कट करना चाहते थे। इस तरीके से अंपायर का इशारा हुआ, ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति कर पाता हुआ स्कोर 5 रन के डीआर का। अब उनको बल्लेबाजी का भी तेज तरार करनी पड़ेगी अगर उनको ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ना है। पहले बैटिंग करते हुए जितना भी रन बना ले कम है, क्योंकि इस पिच पर कोई भी रन सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस पिच पर। और इसको अपनी बात इस बात को अपने जहन में जरूर रखेंगे दोनों ही केटीआर के ओपनर बल्लेबाज, हालांकि दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज हैं। अब तक जिस तरीके से गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में पवन ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी, एकदम बांध कर रखा, किसी से कोई आजादी नहीं दी। अब बॉलर होंगे दर्शन, देखना इनका किस तरीके से दर्शन करते हैं अमित, और ये गेंद को बहुत खूबसूरती से निकाल दिया है स्वागत करते हुए अमित ने, चौके साथ दर्शन का दर्शन करते हुए लोग अमित पहली गेंद पर बहुत खूबसूरत सा 4 रन सीमा का के बाहर। तो बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। तो इस तरीके से अपनी शुरुआत जिसके लिए वो जाने जाते हैं इस बाल पर वो दिखा दिए कि जब तक वो ऊपर रहेंगे, जितना वो क्रीज पर टिकते हैं उनकी निगाहें जितना जमती है वो गेंदबाजी के लिए काफी मुश्किल हो जाए उनके खिलाफ बॉलिंग करना। ये गेंद को स्विंग करना चाहते थे, गेंद उनके ठीक तरीके से आई नहीं, और 9 बॉल का इशारा था वो अंपायर का इशारा 9 बॉल। तो इस तरीके से एक अतिरिक्त रन की संख्या बढ़ती हुई, तो मिलाकर 12 रन 11 रन धीरे धीरे रन की रफ्तार बढ़ती हुई इस ओवर में। केवल एक गेंद हुई है दर्शन की, ये गेंद और आसिफ के लिए गेंद को एक साइड पर खेल दिया है अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत साथ हल्के हाथों से गेंद फाइनलिस्ट की तरफ ढकेल दिया, किसी फिल्डर का कोई मौका नहीं, हालांकि वहां पर कोशिश की पहुंचे बाहर के सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। रन की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी पहले ओवर में, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ये दोनों बल्लेबाज जितना क्रीज पर रहेंगे तो रन की रफ्तार पर ही चलती चली जाएगी और फिर रोकना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा बल्लेबाज को। तो एक बार फिर हल्के हाथों खेलकर 1 रन पूरा किया, 16 रन बढ़ता हुआ स्कोर केटीआर का। अच्छी शुरुआत कही जाएगी, अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है केटीआर का। अच्छी खुशखबरी है उनके कैप्टन के लिए कि दोनों ही सामने बल्लेबाजी क्रीज पर मौजूद और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित और आसिफ, समझ बूझ पूरे तालमेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। दर्शन की ये गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है फाइनलिंग की तरफ, वहां पर फिल्डर मौजूद है, बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 17 रन के डीआर का। दर्शन अभी भी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, थोड़ा महंगे साबित हुए दर्शन, जिस तरीके से पहला बार पवन ने किया था उसकी तुलना में दर्शन थोड़ा से खर्चीले साबित हो रहे हैं अपनी टीम और अपने लिए। ये दर्शन की पर्ची विकेट थी और जोरदार अपील अंपायर का इशारा था, वो तो बहुत ही जोरदार अपील की थी, लेकिन सेकेंड अंपायर खालिद का इशारा जाना चाहूंगा। दोनों ही अंपायर आपस में मशवरा कर लें कि क्या डिसीजन है पूछ जाते लिए, और खालिद ने शायद उंगली उठा दी हवा में, जिसका मतलब ये सारा आता हुआ कि वो आउट होकर पवेलियन की तरफ जाएंगे।
गुड़म पानी बल्लेबाज उनके पल्ले का लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में जोरदार अपील फर्स्ट अंपायर ने नकार दिया था, लेकिन विकेट अंपायर खालिद अपने पैर का पूरा फायदा उठाते हुए उनको लगा के आउट उन्होंने उंगली हवा उठा दी। इस तरीके से अपना पहला विकेट खो दिए केटीआर क्लब कतरा की टीम ने। तो उनकी जगह लेने आए हैं बल्लेबाज ने टीमों के बल्लेबाज दर्शन की ये गेंद बहुत पटकी हुई गेंद की गेंद को कट कर दिया वहां पर अच्छी फील्डिंग बल्लेबाजी कर रही है और ये दिलचस्प मुकाबला टीमों में बल्लेबाज दो ओवर के इंतजाम पर स्कोर है 18 रन। अब पवन के हाथों में गेंद है, अच्छा बेहतरीन स्पेल अब तक इस पूरे टूर्नामेंट पूरी श्रृंखला में किया, अच्छी गेंद आउट कटर की गेंद थी और अंपायर का फैसला यहाँ वाइट का आता हुआ। एक बेहतरीन क्रिकेटर और क्या गेंद में क्या घुमाव है, गिरने के बाद अपना कांटा जिस तरीके से बदली है, जब जो अपना रुख बदली है वो विकेट कीपर ही संभाल सकता है और विकेट के पीछे अजमल को बहुत ही चुस्ती और छोटी दिखानी हुई। और उनके अलावा एक स्लिप है जहां पर मैं साधुर को देख रहा हूँ, उसके अलावा भारत को देख रहा हूँ जो गली में है, पॉइंट पर यहाँ पर हैप्पी है और यहाँ पर ये अच्छी फील्डिंग रन तो चुरा लिया है अभी तक यहाँ पर। और फरहान है डीप कवर पर और दर्शन है लॉन्ग ऑन पर और लॉन्ग ऑन पर और लॉन्ग ऑन पर है यहाँ पर रोशन और अनुज है डीप मिड विकेट पर और भूपेंद्र सिंह है लॉन्ग लेग पर, लगभग फाइन लगा रखा है पोजीशन जमावन के साथ। पवन खंडल तेज गेंदबाज अपने गेंदबाजी का यहाँ नुमाइंदगी करते हुए अपने नाम को रोशन करते हुए और अब ये दिलचस्प आंकड़े जो मुझे नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के कि अब तक उलट फेरी हुआ है इस विश्व के टूर्नामेंट में, जो टीम बड़ी बड़ी टीमों इस टूर्नामेंट से अगर मैं बात करूं टीम सबसे अच्छी टीम बनी थी अयाज क्लब आजमगढ़, जिसमें पूर्वांचल के सबसे अच्छे सितारे थे, रुमान एंड कंपनी की टीम थी, मंजीत क्लब एंड कंपनी थी, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो सभी टीमें अच्छा जरूर खेली लेकिन उन सब मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। अब किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि राशिद क्लब और खालिदपुर की टीम पहुंचेगी अंपायर का फैसला यहाँ वाइट का, लेकिन जो एकजुट होकर जो खेल दिखाया उसकी बदौलत टीम आज फाइनल के मुकाबले तक पहुंची है। रनों की संख्या देखे हैं 22 पर 100 करेंगे पवन अपने कोटे का आखिरी ओवर और आज के दिन का ये इनका सेमीफाइनल का ये आखिरी ओवर बड़ा अच्छा स्पेल चलता हुआ और क्या बेहतरीन क्रिकेट का टूर्नामेंट का इनोग्रेशन हुआ। हालांकि कुछ झड़प हुई और कुछ अच्छी भाई जमाल भाई बहुत मजा आया, पहला सेमीफाइनल बड़ा दिलचस्प हुआ और दूसरा भी अच्छा ही हो रहा है और अब तक दूसरे से बातचीत करने के लिए अब क्या अंपायर वहां पर बातचीत करें मिस्टर फरहान भाई मिले हजार जो
टूर्नामेंट बहुत कामयाब रहा, लेकिन इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं अंपायर ने यहाँ पर आउट करार नहीं दिया। एक रन यहाँ पर आउटफील्डर है वो तो भाई अपील करेंगे ही, क्योंकि उनका काम है वही जरूर करेंगे। जैसे मेरा काम है कमेंट्री, अंपायर का काम है अंपायरिंग करना, वैसे ही फील्डर का काम है उनके काम को अंजाम दे रहे हैं। और जब दोनों फाइनल का मुकाबला एक रन के लिए मार झगड़ा हो सकती है, आप इस चीज से बचने के लिए सोच समझ कर सही फैसला लें। जो एक अकुरेट फैसला अगर नहीं समझ में आता है, वहां पर अमजद भाई, वहां पर फरहान भाई बैठे हुए, सतीश भाई बैठे हुए, आप उनकी मदद ले सकते हैं, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी को आउट का फैसला है अंपायर का। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 24 रन, 5 ओवर के मुकाबले में स्कोर है 24 रन। अबे मन लड़ा जा, माइक को बंद कर लड़ा जा। कूल है। तो ये जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ बने हुए मेरे सभी भाई, इनको मैं बहुत मिस करूंगा। बहुत अच्छा सहयोग दिया है यहाँ पर, अच्छे बल्लेबाज और नए बल्लेबाज संभवतः मोहम्मद आसिफ आए हैं, एक बेहतरीन बल्लेबाज है ये भी अपनी टीम के लिए। जब राजा सिंह राजापुर सिकरौर में जब पूरी टीम की तैयार डूब गई थी, इस नौजवान खिलाड़ी ने उसको खेवन हार का काम किया था, लेकिन तभी इनकी टीम वो मुकाबले को हार गई थी। तो लेकिन मैं बताना चाहूंगा, टीम में जिस खिलाड़ी का नाम नहीं लिया जा रहा है, अम्बेडकर नगर के नवाब भूपेंद्र सिंह जो लॉन्ग लीग पर खड़े हैं, दोस्तों यहाँ जितने लोग इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, सब में सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है, और उनका नाम इस पूरे आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि मैं ड्यूस बोल के उनसे बड़ा प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा, और लोग बड़ी तारीफ करते हैं, चाहे वो बाबरपुर के रवि हो या मिलन हो। उनके अलावा उसके अलावा मोहम्मद दुमान शेख हो, मनजीत सिंह हो, ये सभी खिलाड़ियों ने इनकी बड़ी तारीफ की है। भूपेंद्र सिंह हो जो लॉन्ग लेग पर खड़े हैं, और ये अपने नाम के मोहताज नहीं, दोस्तों बहुत अच्छे क्रिकेटर। स्कोर गति 29 रन, यहाँ सब कुछ उलट फेर हुआ है। फरहान भाई क्या करामात किया है आपने इस ग्राउंड के ऊपर कि अयाज कर जैसी टीम हार गई, मनजीत कर जैसी टीम हार गई, और अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो टीम जो जौनपुर अच्छी नजर आ रही है, उसका भी अब मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं पत्ता टमाटोल हो रहा है। तो अब देखा तोरो वाले पीछे पड़ा है, रोमान एंड कंपनी ने इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आर्टिक जो लगातार इसकी टीम जो बासित की टीम है, वो भी जल्दी टूर्नामेंट नहीं हारती, वो भी टीम हार गई। ये बड़े दिलचस्प आंकड़े, हालांकि मुकाबले होते हैं, लेकिन ये बचाव क्या है, एक रन लिए लीजिए दूसरा रन आउट, और रोशन की रोशनी के तेज है जो उनके सामने से रन कैसे चुरा लेंगे, और वो उन्होंने रन आउट कर दिया। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 29 रन। दर्शन जा रही है। मैं 2 मिनट के लिए कमेंट्री से जा रहा हूं, क्योंकि रोड पर कुछ जरूरी काम है, आगे की कमेंट्री को मैं करिए, मैं 2 मिनट में मिल रहा हूं आपसे। हां हां अरे यार भाई को, हां गांव के
इस वक्त 29 रन केटीआर का। चौथा ओवर की प्रगति पर, चौथा ओवर चल रहा है, 29 रन के टीआर की टीम अब तक स्कोर बना चुकी है। ये गेंद दर्शन की और गेंद को हल्के हाथों से खेलकर अच्छी फील्डिंग यहाँ पर बॉलर थ्रू में दर्शन की, तो इस तरीके से एक रन आसानी से लेते हुए 30 रन पर, 30 रन पर 4 विकेट खो दिए है के टीआर की टीम ने। और यहाँ पर थोड़ा से मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई और अंपायर आपस में बातचीत कर ले, गलती हो सकती है, गलती इंसान से ही होती है, ये जरूरी नहीं कि अंपायर है तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई अंपायरों के बीच, कोई बात नहीं है, सब मैच का हिस्सा है, होता रहता है। फिर भी 30 रन के लिए आर का ये चौथा ओवर चला, अब तक अच्छी स्थिति नजर आ रही है के टी आर की, और इसके बाद वो लास्ट ओवर खेलेंगे, देखते हैं उसमें कितना रन बना पाती है के टी आर की टीम। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 31 रन के टी आर का, अपना 4 विकेट के नुकसान पे के टी आर की टीम 4 ओवरों में अब तक 31 रन बना चुकी है। शायद इस इनिंग का लास्ट ओवर होगा, बॉलर्स होंगे भूपेंद्र सिंह बॉले होनहार बॉलर, काफी पुराने खिलाड़ी, काफी वरिष्ठ खिलाड़ी, सब की पूरी टीम में सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह, और उनके सामने होंगे अमीन, अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं अमीन, आक्रामक बल्लेबाज हैं उनके सामने। अब इस ओवर में कुछ बचा नहीं है सिर्फ बाउंड्री लगाने के लिए, क्योंकि उनका लास्ट ओवर रहेगा, तो इसमें जितना भी रन जोड़ पाते हैं उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, उनका उनकी टीम के लिए। केटीआर यहाँ पर अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहेगी, हल्के हाथों खेल कर 1 रन पूरा किया, बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 32 रन 22 मिला था 4 विकेट। ये गेंद भूपेंद्र सिंह की, ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद को स्वीप करना चाहते थे, फुल टांग गेंद थी, बल्ले पर पूरी तरीके से आई नहीं, 1 रन का मौका था उसको पूरा करते हुए। दर्शक धीमे धीमे एक बार फिर बढ़ते चलते चले जा रहे हैं, मैच एकदम एंडिंग के में जाता हुआ सेमीफाइनल ये मैच हो रहा है, इसके बाद जो सबका फाइनल मैच ये गेंद, और गेंद को हर क्या तो खेल गया, फाइनल की तरफ थ्रो करना चाहते थे, नाखुश रहे अपने अपने प्लेयरों से। तो इस वक्त बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन के टी आर का, भूपेंद्र सिंह अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने तजर्बे का पूरा फायदा उठा रहे हैं इस पिच पर। रही भूपेंद्र सिंह की ये गेंद, गेंद को लेग साइड पर खेल लिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर कही जाएगी कीपर की। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन के टी आर का, 35 रन अगर उनको इस मैच को जीतना है तो ज्यादा से ज्यादा रन जुटा ले इस बची हुई गेंद पर। और ये गेंद, गेंद को बहुत खूबसूरती से निकाल लिया है, कैसी मार गए 5-4 रनों के लिए, हालांकि वहां पर पूरी टाई लगाई थी, पूरे फुल कोशिश की थी खड़े बिल्डर ने, लेकिन उनके पहुंच के बाहर कैसी मार गए 5-4 रनों के लिए। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन 39 को बाई के टी आर। वनतालीस रन एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा के टी आर का, उनके गेंदबाजों का अगर हम नजर में रखें तो ये बार बहुत खूबसूरती से निकाल दिया है, मजाकर भरी साथ 4 रन, किसी फील्डर का कोई मौका नहीं, बेहतरीन साथ, इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 43। और जौनपुर को अगर इस मैच को जीतना है तो 44 रन बनाना पड़ेगा, 44 रन मतलब उनको बनाना पड़ेगा जौनपुर की टीम को, बचे 5 ओवर में। तो केटीआर के कप्तान अपने प्लेयरों को जल्द से जल्द फील्ड सजा लें और मैच को जितनी जल्दी शुरू हो सके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप अपना रंग धीमे धीमे बिखेरती हुई इस मैदान पर दिशाओं के, और काफी खूबसूरत मैदान, हवाएं हल्की हल्की
धीरे धीरे अपने काम शुरू कर दिए है और आगे चलकर जिस तरीके का मौसम बता रहा है शायद हवाएं और तेज भी हो जाए दो तीन घंटे बाद, तो फिर गेंदबाजों के लिए थोड़ा से परेशानी हो सकती है, लेकिन मैच कितना देर तक शायद नहीं जा सकेगा। तो इस तरीके से जौनपुर को अगर इस मैच को जीतना है तो 44 रन बनाना पड़ेगा 5 ओवर में, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। केटीआर का पहले बैटिंग करते हुए 43 रन बनाई और 44 रन का टारगेट दिया है जौनपुर की टीम के, और जौनपुर की टीम को इस मैच को जीतना है तो अपने दोनों अपना बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान पर भेजे और दोनों अपना बल्लेबाज धीमे धीमे कदमों से क्रीज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और फर्स्ट अंपायर की जिम्मेदारी फरहान साहब के हाथों में है और उनसे गुजारिश है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू कराएं। बॉलर होंगे दिनेश और स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है साबिर, स्ट्राइकर बल्लेबाज नान शंकर बल्लेबाज दोनों अपना अपना नाम बता दें। साबिर और हैपी ओपन की जिम्मेदारी निभाते हुए जौनपुर की तरफ से, साबिर होंगे स्ट्राइक पर, हैपी होंगे नान स्ट्राइक पर, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज जौनपुर के। बॉलर होंगे दिनेश अपने पहले गेंद बहुत ही अच्छी गेंद ललचाती हुई गेंद सीधा विकेट के हाथों में, समझ नहीं सके गेंद को, गेंद टपक आने वाले उनके बल्ले को छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। तो इस तरीके से अच्छी शुरुआत करते हुए दिनेश अच्छे गेंदबाज हैं, अपने अनुभव का पूरा खाता खोला है अपने और अपनी टीम का 4 रनों से दिनेश के लिए, साबिर के लिए हल्के हाथों खेल कर इसको 1 रन पूरा कर लिया, मौका था उस 1 रन का उसको पूरा करते हुए अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। साबिर जानते हैं इस पिच पर बहुत कुछ है, सिर्फ अपने धैर्य को रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, अपने आप को क्रीज पर सलामत रखते हैं तो मैच बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर जीतना। इस पिच पर सब कुछ है, ये गेंद दिनेश की गेंद को कट कर दिया है, अच्छी फिटिंग वहां पर कीपर की, बहुत खूबसूरत फिटिंग, जितनी भी तारीफ की जाए कम। तो इस तरीके से अभी भी 5 रनों पर रन रुकता हुआ नजर आ रहा है जौनपुर का और कोई भी विकेट नहीं खोया जौनपुर की टीम ने, दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। ये गेंद गेंद को बहुत खूबसूरती से निकाल दिया है, उतनी ही अच्छी फील्डिंग रन आउट होने का चांस, लेकिन गेंद को पूरी तरीके से कलेक्ट नहीं कर सके, अगर एक बार में उस थ्रो को पकड़ लेते तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल में जरूर पड़ जाते हैं भी, लेकिन किस्मत वाले रहे कि गेंद उनके हाथों में पूरी तरीके से आई नहीं, जिसके वजह से बाल बाल बचती हुई इस वक्त दिनेश उनके बॉलिंग मार्ग पर सामने है। सब ये गेंद दिनेश की बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद को हल्के हाथों खेल कर गेंद को 1 रन का मौका था उसको पूरा कर लिया, इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। तो अच्छी शुरुआत सूझबूझ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज जौनपुर के, वो जानते हैं कि रन अगर हम 2 ओवर अपना विकेट नहीं खोते हैं और अगर इसी तरीके से 1500 या 18 रन तक 2 ओवर में बन जाता है तो फिर वो रन आसानी से चेस कर लेंगे। तो एक अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए जौनपुर के बल्लेबाज, दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, किसी भी ओवर में रन तेज या बनाने की हैसियत या अपने आप की काबिलियत रखते हैं। तो बॉलर्स ने आसिफ होंगे बॉलर, अपने टीम अपना पहला अपनी टीम का दूसरा ओवर लेकर आसिफ के कंधों पर जिम्मेदारी, देखना है अपनी टीम के लिए कितना कुछ कर पाते हैं आसिफ, हालांकि बहुत ही भरोसे से उनके हाथों में गेंद दी गई है कप्तान के, अपने कप्तान की उम्मीदों पर कितना खड़े उतरते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा।
आसिम साबिल के लिए, साबिल देखना किस तरीके का सामना करते हैं आसिम की ये गेंद का। पहले गेंद गेंद को हल्के हाथों खेल कर पैन की तरफ एक रन पूरा कर दिया, तो बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 8 रन। धीरे धीरे कदमों से अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है जौनपुर की टीम। काफी समझदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज। खुद पर अपने आप पर इतना भरोसा है उन्हें कि अगर हम 2 या 3 ओवर क्रीज पर रहते हैं तो मैच का नक्शा कुछ और होगा, और अगर हकीकत में ये उनके इरादे हैं तो फिर काफी नेक इरादे से इस वक्त मैच खेलते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त साबिर और हैप्पी। तो तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर अभी भी 8 रन, मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया था और बहुत ही खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया है। गेंद बहुत खूबसूरती से निकाल दिया फाइनली की तरफ, एक टप्पा खाने बाद गेंद सीमा कर बाहर 4 रनों के लिए। 1 बॉल 4 मोर बाई हैप्पी, बहुत ही खूबसूरत शॉट। हालांकि वहां पर छलांग लगाई खड़े फील्डर ने, लेकिन उनकी पहुंच के बाहर उनके हाथों को चूमते हुए सीमा कर बाहर 4 रनों के लिए। तो बढ़ता हुआ स्कोर 20 पे लॉस ऑफ 9 विकेट बाई जौनपुर। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद को स्वीप करना चाहते थे, बल्ले पर आई गेंद सीधा विकेट पर जाकर लगी। इस तरीके से पहले विकेट का पतन होता हुआ आसिम ने अपने पहली विकेट दिलाकर अपने कप्तान की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरते हुए इस 12 रन के निजी स्कोर पर पहला विकेट खो दिया है जौनपुर की टीम ने। हैप्पी हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक अग्रतर खोते हुए अपनी इस गेंद का और अपना विकेट गवा दिए। उनकी जगह लेने आए हैं नाम अजमल, अजमल हैं उनके जगह लेने आए हैं हैप्पी की। देखना है कितने ये गेंद, और गेंद को बहुत खूबसूरती से निकाल दिया है, लेकिन वहां पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग, एक रन का चांदा दूसरे रन के दौड़ पड़े हैं और उसको पूरा भी कर लिया, बहुत ही अच्छी रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। आसिम की ये गेंद एक बार गेंद को फिर खेल लिया है कवर की तरफ, वहां पर रन आउट होने का चांस, उसको पूरा करते हुए मिस स्टैंडिंग होती दोनों बल्लेबाजों के बीच। हालांकि स्ट्राइकर बल्लेबाज रन लेना नहीं चाहते थे, ना स्ट्राइकर बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, दोनों की तरफ फैंसियों के शिकार होते हुए इस वक्त साबिर अपना विकेट खो दिया है। थोड़ा से नाजुक स्थिति में नजर आ रही है इस विकेट खो देने के बाद, और यहाँ से काफी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मेडलवाला बल्लेबाज को। जिस तरीके से शुरुआत की थी साबिर और हैप्पी ने, ऐसा लगा कि अपने बल्लेबाजी से काफी राहत मिलेगी डायमंड कलम को, लेकिन वो दोनों का विकेट खो दिए डायमंड कलम की टीम। यहाँ पर खूबसूरत आते ही तेज तरार 4 रनों के लिए केसी मार्केट बाहर। इस वक्त बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन डायमंड कलम का, 18 रन बढ़ता हुआ स्कोर। इस तरह से दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई बल्लेबाज का नाम जरा बता दें, फरहान, वो तो अजमल भाई जान फरहान आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और इस तरीके से 18 रन बढ़ता हुआ स्कोर डायमंड कलम का।
काफी मजबूत टीम है डायमंड क्लब लखनऊ। इस मैच में जिम्मेदारी दी गई है। एक दिलचस्प मुकाबला, एक कांटे की टक्कर। अब फरहान को और अजमल को बल्लेबाजी करे इस बार स्विंग पैडल स्विंग करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का सही कांटेक्ट नहीं किया। बाकी लेकिन गाजीपुर की टीम को अगर जीतना है तो अजमल को, फरहान जैसे बल्लेबाज को, साबिर को आउट कर दिया है, हैप्पी को आपने आउट कर दिया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों को कम से कम बाजना होगा। एक उलट फेर हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद, ऐसा लग रहा कि मानो इनकी गेंद में कोई रफ्तार ही नहीं हो, बल्लेबाज जबरदस्ती इसको ढकेल रहा है। एक अलग तरीके की गेंदबाजी, विविधताएं ला रहे हैं और याद दिला रहे हैं मुझे कि एक होता है गेंदबाज जो रजत भाटिया की स्लो स्लो और स्लो, यानी जितनी गेंदें कर रहे हैं स्लो के साथ साथ और रुके हुए हैं। बल्लेबाज बल्लेबाज चला चुके हैं, धीरे धीरे लेकिन का फैसला नॉट आउट का होगा, संभवतः है यह साफ दिख रहा था। बिल्कुल विकेट कीपर ने जोरदार अपील की और विकेट कीपर खुद इस बात को जानते ही बल्लेबाज आउट नहीं है। रनों की संख्या जा पहुंची 19 की ओर पर और अब गेंदबाजी करने के लिए ग्रेन तैयार होते हुए अपने कोटे का ये दूसरा और ये बड़ा ही निर्णायक साबित होता हुआ। निश्चित तौर पर अब टीम यहाँ पर दबाव में साबित होती है। अच्छी फील्डिंग, अच्छी बल्लेबाजी की मदद इस ओवर में अगली बार सीधे बल्ले से खेला और रन आउट का मौका बन रहा है और अब जाना होगा जनाब अजमल साहब को पवेलियन की राह। तो हम रोशन आए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर आ रहे हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। तो कमर आसिम साहब की सारी भविष्यवाणी सही साबित होती है। कमरों का उलट फेर देखने को मिला है और सच बताऊं हालांकि कहना नहीं चाहिए टीम खालिदपुर फाइनल में पहुंचेगी। हर टीम सोच रही थी कि मेरा मुकाबला खालिदपुर से हो जाए और वो टीम फाइनल तक पहुंच गई और अच्छा खेल दिखाई और गाजीपुर को भी लोगों ने थोड़े हल्के में ले लिया, लेकिन क्या खेल का प्रदर्शन किया। कभी मैं खुद एक एज कमेंटेटर इफ आई एम प्रेडिक्टिंग हु विल विन दिस कॉन्टेस्ट तो मेरा वोट अयाज आयन टीम को जाता, उसके बाद जोधपुर की टीम को मैं देता, लेकिन देखिए दुर्भाग्य है ये क्रिकेट का स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 20 रन, कोई भी जीत सकता है। ये सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट में कोई कमजोर नहीं, कोई मजबूत नहीं, जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीतेगा, वो टूर्नामेंट जीतेगा। तो सतीश भैया की मेहनत और आज फरहान सिंह की जो मेहनत है, जो रंग लाती है और पूरा जो पूरे अमजद भाई उनके अलावा मनोज भाई बादल पंकज अमन गोलू और मेरा भाई कमेंट्री कर रहा था उमर, सबने अच्छा सहयोग दिया। इस बार ये रूल आउट बार बैठे लीजिए आशीष को जो सफलता अर्जित हो गई। अब मुकाबला बिल बिल्कुल को होता हुआ और ये लगाते हुए एनालिसिस करते हुए और सच कहूं तो अब यहाँ रनों की जो जरूरत है स्कोर बोर्ड पर मैं 20 रन मात्र देख रहा हूँ। 44 के जवाब में 24 रनों की जरूरत, अब तक 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, छोटा ओवर चल रहा है, ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। 11 गेंद 24 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब पवन को हवा चल रही है, नाम है पवन और अब पवन को कुछ करना होगा। ये अच्छी गेंद, आप इस
सिस्टम के बाहर और अपने नाम के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी और अपने गेंदबाजी जैसे करते हैं वैसे बल्लेबाजी करनी होगी। मुकाबला 30 रन पर होता हुआ स्कोर है 20 रन, 24 रनों की और जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए 10 गेंदों में 6 चौकों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। पवन के लिए कटकिया सीधे बल्ले से नहीं इस बार आने बल्ले से खेला था, 3 विकेट की तरफ और 1 रन चुरा लिया। अब मैं देख रहा हूँ जितेंद्र की टीम होले होले अच्छा कर रही है, आसिफ के चेहरे पर मुस्कान, त्रिपाठी भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं और ओवरऑल देखा जाए दिनेश भी अच्छा खेल का प्रदर्शन किए हैं और टीम उनकी अच्छी है, बहुत अच्छी टीम, टीमों भी अच्छा खेल दिखाया विकेट के पीछे सबने अच्छा खेल दिखाया। अब यहाँ आसिफ से सफलता और तमाम खिलाड़ी एक दूसरे से एकजुट होते हुए इस मैच का मैन ऑफ द मैच
मोहम्मद आसिफ साहब करेंगे 3 मिनट के।